ये गुरु महाराज ने सबसे प्रथम बताया दिव्य जीवन के मुख्य आधार। नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षी शिरोरुवाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटिगुधारिणी नमः। आकाशात्पतिदन्तोयमता गच्छतिसागरं सर्वदेव नमस्काराकेशं प्रति गच्छति वासनाद्वासेव श्रीवास्तवं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासो शिवासुदेव नमोऽस्तु ते सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। नारायण 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणसमारम्भाम् आचार्यत्रयमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुनन्ते देवस्सदाशिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविनाशाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। जराजन्मविनाशाय देहशुचिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ श्रीगुरुदेव गुरवे सर्वलोकानां विजये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोत्प्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तिपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो हे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवास्मै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण 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 श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमः शिवानन्दाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्ते निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसि त्वं हि विष्णुर्विरिञ्चिस्त्वं त्वं च देवो महेश्वरः त्वं चैव शक्तिरूपासि निर्गुणस्त्वं सनातनः। ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय ॐ नमो भगवते शिवानन्दाय। परमपिता परमात्मा के दिव्य अमर संतान, आज ये नया वर्ष के द्वितीय दिवस की प्रातः काल में शंकर भगवान के सानिध्य में, केदारनाथ भगवान के सानिध्य में आप सब एकत्रित हुए हैं। भगवत सानिध्य इस प्रातः काल के समय, इस मध्याह्न मुहूर्त के समय प्राप्त होना, समझो कि ये भगवान की असीम कृपा है, एक विशेष कृपा है। बाकी हर प्रकार के कंपनी आसानी से मिल सकता है। होटल रेस्टोरेंट में जा कर के बैठ गया तो खाने पीने वालों की कंपनी मिल जाता है, और जुआ खेलने वाला का जगह में चले गया तो जुआरी के कंपनी मिल जाता है। सिनेमा थिएटर में चला गया तो रद्दी फिल्म देखने के वाला की कंपनी मिल जाता है, हाँ। और ऐसा इस ताश खेलने वाले की कंपनी, थोड़ा सा पीने वाले की कंपनी, ये सब आसानी से मिल जाता है। वहाँ जाना है हमेशा वो कंपनी, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में इस प्रकार से अपने आप के लिए हानिकारक, अपने आप के लिए अहित
आपने आपके लिए जो भला नहीं है बुरा ऐसा कार्य करने में सब लगे हुए श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण संत जितना भी उनको चेतावनी करें, देखो भाई तुम अपना कल्याण का बात सोचना चाहिए, अपने कल्याण की व्यवस्था हर व्यक्ति अपने आप पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि अपने आप अपना कल्याण नहीं बनता है उसके लिए प्रयत्न करना है, और तुम्हारे कल्याण के वास्ते और कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, आप ही पुरुषार्थ करना है, सोच करके समझ करके विवेकी बन करके विचार करके जितना भी कहें तब भी सब जानते हुए भी हमारे लिए ठीक कौन सा है, हमारे लिए गलत क्या है, हमारे लिए कल्याणकारी कौन सा है, हमारे लिए अकल्याण कौन सा है, हमारे लिए हितकारी कौन सा है, हमारे लिए अहित कौन सा है, या अच्छी तरह से जान करके जो अहित है वहीं पर जाएंगे उसी का, क्यों वो रुचिकर है, वो देखने में आकर्षक है, वो रुचिकर है, इसलिए उससे परिणाम क्या होता है उसके नहीं सोचेगा, अभी तुरंत उसका क्या स्वरूप है, हाँ वो रुचिकर है, आकर्षक है, सुंदर दिखाई दिया तो बस इतना ही से मतलब है, उसका परिणाम क्या है सोचने वाला हजारों में एक लाखों में एक, जो दूरदर्शी है, जो विचारशील है, विवेकी है, ऐसा समझ करके सोच करके आगे बढ़ने वाला बहुत कलयुग में कम, लेकिन आपके विशेष सौभाग्य है, आपको सत्संग में रुचि है, भक्तों की ऐसा मिलन में रुचि है, भगवत सान्निध्य में बैठना, कोई संत कुछ बोला तो श्रवण करने की रुचि है, सात्विक ये भाव, सात्विक विचार, सात्विक मनोवृत्ति, सात्विक संस्कार आपको है, इसलिए आप यहाँ पर एकत्रित हैं, इसलिए मुझे विशेष संतोष है आप इस प्रकार के शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है, ये पूरा साल भर इसी प्रकार से अच्छा में भला में सात्विक प्रवृत्ति में आपका पूरा साल बन जाए, इससे आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त हो, ऐसा परमपिता परमात्मा के चरण में हम इस वक्त याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दिव्य जीवन संघ आज लगभग 50 इयर्स, क्योंकि गुरु महाराज इसकी स्थापना किया मकर संक्रांत 13 जनवरी 1936 में, 1936 में पूज्य पावनी भागीरथी गंगा जी के दक्षिण तट पर ऋषिकेश के पास में मुनि की रीति में 13 जनवरी 1936 में मकर संक्रांति के दिन 1936 में स्थापित किया। क्यों? लोक में आधुनिक जगत के जितने भी मानव समुदाय हैं उनमें एक जागृति के वास्ते, क्या जागृति, दो प्रकार की जागृति, यहाँ पर रहते तक ये व्यवहार क्षेत्र में कैसा जीवन बनाना चाहिए, क्या उसका आदर्श है, हमारे पूर्वजों ने इस विषय में क्या रास्ता दिखाया है, क्या ज्ञान हमको प्रदान किया है, भौतिक जगत में प्रपंच में संसार में व्यवहार के क्षेत्र में कैसा जीवन बनाना चाहिए, दूसरा क्या बताया, भौतिक जगत में प्रपंच में संसार में व्यावहारिक क्षेत्र में हम सिर्फ थोड़े समय के लिए रह करके जाने वाले हैं, ये हमारा कायम क्षेत्र नहीं है, कुछ दिन पहले हम यहाँ नहीं थे, कुछ समय के बाद सब यहाँ जाना है, सब जाना है, आपके कुल परंपरा कितना पीढ़ी से पीढ़ियों से आया हुआ है, शताब्दी से आया हुआ है, लेकिन अभी देखे कौन है, वो परदादा होगा, माँ बाप, दादा, नानी, दादी, और उनके माँ बाप, तीन पीढ़ी से चार पीढ़ी से कम कोई नहीं रहता है, बाकी सब बोलते हैं कि वो थे, ऐसा ही हम भी एक दिन हमारे बारे में बोलेंगे
थे, ऐसा थे, हाँ हमें अभी हैं, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है, ये हमारा निज धाम नहीं है, असली वतन नहीं है, हमारा शाश्वत स्थान, निवास स्थान नहीं है। इसलिए केवल मात्र इस भौतिक जगत में, इस संसार में, प्रपंच में, इस व्यावहारिक क्षेत्र के बारे में ही हमको कुछ समझाएं अधूरा रह जाएगा। हमें वो भी बात समझाने का है, वो भूमिका की, वो पहलू की, जहाँ पर से हम आए हैं, जहाँ पर हम निश्चय जाना ही पड़ेगा, हम चाहे नहीं चाहे, कोई आपको पूछता नहीं, परमिशन नहीं पूछता है, यहाँ से भेजने के समय आ गया आपको, आप चलेंगे, ऐसा कोई नहीं पूछता है, फटाफट ऐसा चले जाता है, आज रहा कल नहीं है, ऐसा ले जाने के वक्त हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिलता। हाँ, वैसा भगवान थोड़ा थोड़ा इंटीमेशन पहले से ही देता है, जब आदमी का उम्र हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया और 50 होने लगा, काला बाल सफ़ेद हो जाता है, उस समय में भगवान बोलता है, देखो भाई अभी तुम आने के मुद्रा चला गया, अभी बाहर जाने की शुरू हो गया, देखो थोड़ा सा सोचो करके हमको थोड़ा सा चेतावनी, हमें थोड़ा सा संकेत, देखो भाई अभी उम्र ऐसा आ गया है जब तुम बाहर जाने की, और दांत गिर जाता है, जाकर के हम डेंटिस्ट के पास जाकर के नया दांत डालना पड़ता है, और अच्छी तरह से पड़ता रहा उसके बाद निगाह कम हो जाता है, ये सब भगवान का कृपा है, हमें जागृत करने के लिए संकेत देते हैं, साइंस, देखो एक दिन जाना पड़ेगा, ऐसा होता जाएगा, नज़र कम हो जाएगा, कान के सुनाई कम हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएगा, फिर चलने फिरने में तकलीफ हो जाएगा, ऐसा हो करके एकदम वृद्धा पे आ जाएगा, कुछ ना कुछ व्याधि आ करके तुमको एक दिन चलना पड़ेगा करके, ताकि हम जागृत हो करके कुछ ना कुछ हम भजन में लग जाएं, परोपकार में लग जाएं, तीर्थ यात्रा में लग जाएं, व्रत नियम में लग जाएं, दान पुण्य में लग जाएं, इस तरह से हमें ठीक दिशा में प्रवृत्त होने के लिए होशियार अब जागो। ऐसा ही भूल से भगवान दिया हुआ बहुत उत्तम पुरस्कार है मानव जन्म, मानव जीवन, मनुष्य शरीर, सोचने की, विचार करने की, ये सब शक्तियाँ बहुत अनोखा है। सब जीव जंतुओं में, प्राणी मात्र में एक ही मानव के लिए ये क्षमता, ये शक्तियाँ भगवान आदान प्रदान किया है, इसलिए बहुत बड़ा एक सुनहरी, अमूल्य, अतुल्य पुरस्कार है मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म, मानव शरीर। तो इसलिए इसको वृथा नहीं होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये जाने बिना जो जीवन ऐसा वैसा करके चले जाता है, बड़ा दुर्भाग्यशाली है, बहुत बड़ा चीज़ पा करके उसका मूल्यता को उन्होंने मोल को नहीं समझा, उसको निष्फल बना दिया, सफल बनाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए, इससे बहुत कुछ प्राप्त करके जाना चाहिए, ये उद्देश्य गुरु महाराज ने ये क्षेत्र का, भौतिक जगत का क्षेत्र के बारे में भी कुछ बताया, और वो आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र के बारे में भी कुछ बताया। जगत में आकर के अच्छा मानव कैसा बने, मानव जगत में आकर के हमारा मानव जीवन कैसा ठीक ढंग से चल सके, इसलिए उन्होंने, गुरु महाराज ने कहा, इस भौतिक जगत में, इस प्रपंच में, इस संसार में, व्यावहारिक क्षेत्र में हमारा सब व्यवहार सत्य के ऊपर होना चाहिए, झूठ कपट नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं होना चाहिए, असत्यता बहुत मानव व्यक्ति के लिए एक कलंक है, ये बहुत मानव व्यक्ति के लिए बहुत एक बद्धा है, जैसा अच्छा श्वेत वस्त्र के ऊपर कोई शाही की दाग आ जाता है, ऐसा असत्य सबसे बड़ा स्वरूप ही है। जितना भी सद्गुण है ये सत्य के ऊपर है, सत्य हम अनुष्ठान किया सब सद्गुण हमारे अंदर आ जाएगा, धर्म हमारे जीवन में आकर के स्थान ले लेगा,
जहाँ पर सत्य हट गया धर्म छोड़ करके चले जाएगा। सत्यपरायण होना चाहिए, सत्यव्रति रहना चाहिए, सत्य के वास्ते बहुत बड़ा प्रेम होना चाहिए, सत्य जीवन के वास्ते बहुत बड़ा तीव्र एक उत्साह होना चाहिए। कुछ भी हो हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे, मर भी जाएंगे लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेंगे। असत्य हमारा वाणी से नहीं आएगा। जिस वाणी से हम भगवान का प्रार्थना करना है, जिस वाणी से हम भगवान का स्तुति स्तोत्र रटना है, जिस वाणी से हम पवित्र ग्रंथों को पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, रामचरितमानस पढ़ना है और भगवत गीता पढ़ना है, जगन्नाथ दास कृत हमें भागवत पढ़ना है, ऐसा पवित्र रचनाओं को हम पढ़ना है तो ये जवान उसके लिए योग्य होना चाहिए। जहाँ पर असत्य आया वहाँ पर मलिनता आ गया, असत्य अपवित्र है। और ये ऊंचा ऊंचा पवित्र ग्रंथों के स्वाध्याय पठन पाठन के वास्ते हमारी योग्यता चले जाता है। जवान से भगवत नाम जप करना है, उनके भजन करना है, श्री सूक्त पुरुष सूक्त रुद्री चमक नमक इस सब हम पाठ करना है नहीं। जब उसके लिए योग्य रखेंगे वो पाठ सफल होगा। यदि जवान को हम असत बना देंगे, रद्दी बना देंगे, मलिन बना देंगे, अपवित्र बना देंगे, तब कुछ भी हम पाठ करें वो जहाँ पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँचेगा। इसलिए जिस जवान से, जिस जिह्वा से दिव्य पवित्र भगवान का नाम रटना है, जप करना है, जिस जिह्वा से उनके लिए प्रार्थना करना है, जिस जिह्वा से हम सदग्रंथों की स्वाध्याय करना है, उस जिह्वा को पवित्र रखना चाहिए, सत्यपरायण होना चाहिए। ये गुरु महाराज ने सबसे प्रथम बताया। दिव्य जीवन के मुख्य आधार तीन स्तंभ के ऊपर दिव्य जीवन आधारित है। मुख्य आधार सत्यपरायणता, सत्यव्रत। दूसरी है हम अपना जीवन में ऊंचा उन्नत चरित्र रखना चाहिए। चरित्रवान पुरुष देवता तुल्य, चरित्र विहीन एक व्यक्ति पशु तुल्य। जिनमें चरित्र नहीं है कुछ नहीं है। आचरण सदाचार होना चाहिए। सोच समझ करके हम अपना काया वाचा मनसा कार्य करना चाहिए। सदाचार एक है तो काफी है। पूरा जगत आपको सत्कार करेगा। सदाचार नहीं है जगत आपको दिखावटी सत्कार करेगा। हो सकता है आपके पास पैसा है, हो सकता है आपके पास सत्ता है, हो सकता है आप बहुत बड़ा पदवी में है, आपसे कुछ काम बन सकता है, इसलिए बाहर दिखावटी, पीछे जाकर के है यूज़लेस मैन बोलेंगे ऐसा, आपके प्रति अवहेलना दिखाएंगे, कोई आपके वास्ते मर्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन दिखावटी देंगे बाहर देखकर, क्या अपना स्वार्थ है मतलब के वास्ते आपको, और आप समझेंगे सब हमको बहुत मानते हैं, सब हमको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपका भ्रांति है। इसलिए सदाचार, सुशील ऊंचा चरित्र और अच्छा आचरण दूसरा स्तंभ है दिव्य जीवन के वास्ते, सच्चा जीवन के वास्ते, जिस जीवन से भगवान प्रसन्न होता है ऐसा जीवन के वास्ते। तीसरा स्तंभ क्या है? जैसा आप अपने वास्ते चाहते हो वैसा आप औरों को अपने तरफ से बर्ताव करो। कोई नहीं चाहता है कि दूसरे हमारे लिए अपमान करें, दूसरे हमारे लिए गाली दें, दूसरे जाकर के हमारा निंदा करें, दूसरे जाकर के हमारा कोई हानि करें, दूसरे हमारा दुख दें, नहीं। हम चाहते हैं कि सब हमको सम्मान करना चाहिए, कोई निंदा नहीं करना चाहिए, सब हमारे तरफ मृदु व्यवहार रखना चाहिए। इसलिए जैसा हम जगत से व्यवहार अपने वास्ते चाहते हैं हम ऐसा ही व्यवहार औरों को देना चाहिए। ये प्रातःकाल सायंकाल सदा सर्वदा इस बात को याद कर करके प्रतिदिन हमारा दैनिक आचरण को रखना चाहिए। उसके माने क्या हुआ? अपने तरफ से किसी को हानि नहीं करना चाहिए,
किसी का निंदा होना नहीं चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को जानबूझ करके दुख नहीं देना चाहिए, किसी के लिए बुरा सपना में भी विचार नहीं करना चाहिए। कुछ हो सके भला करो, कुछ हो सके दूसरों के लिए सम्मान दो, सत्कार दो, शांति दो, सुख दो, नहीं कर सके चुप रह जाओ, कम से कम हानि नहीं करा चुप रहो, लेकिन अच्छा करने में बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत करो। इसको बोलते हैं अहिंसा। और इसके बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा सब धर्म से उत्कृष्ट धर्म अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि इस जीवित इस जगत में तमाम इस दुनिया में प्रपंच में संसार में सब जीवात्मा सुख चाहता है, सब जीवात्मा दुख से अलग होने के लिए, दुख को अलग करने के लिए चाहता है, सबका ये प्यास है। गरीब हो, अमीर हो, लिखा पढ़ा हो, विद्वान हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, ऊंचा नीचा इधर का उधर का, पूरा दुनिया में आप जाओ, किसी भी देश में राष्ट्र में कौम में जाओ, सब मानवता में एक सर्वसाधारण एक चेष्टा है, सब चाहते हैं कि हमें सुख मिलना चाहिए, सब चाहते हैं कि हमें दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए ये मानव का केंद्रीय जो एक चेष्टा है, आशा है, उस आशा के ऊपर धक्का नहीं देना चाहिए, आशा के ऊपर धक्का नहीं जाना चाहिए। वो कोई भी हो, एक गरीब भीख मांगने वाला भी हो, हम उनको कुछ दे सकते तो देना, लेकिन अपमान नहीं करना, उनके बारे में तुच्छ बुद्धि नहीं रखना। सब में भगवान निवास करता है, भगवान का चलता फिरता ये मंदिर है, सजीव मंदिर है। इसलिए सबको सम्मान देना, सबको दया के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ मृदु वचन उनसे बोलना और मधुर वचन बोलना, उनको हो सका तो उनके दिल में कुछ सुख पहुंचाना, कुछ शांति पहुंचाना, उनको संतुष्ट करना, रोने वाले के चेहरे में मुस्कुराहट ले आने के लिए कोशिश करना। ट्राई टू ब्रिंग ए स्माइल अपॉन ए क्राइंग फेस। 800 साल के पूर्व यूरोप खंड में एक संत हुए थे, बड़े पवित्र आचरण के संत थे, दयालु थे, और वो अपने वास्ते उन्होंने एक आदर्श रखा, मैं इस महान एक व्यक्ति जो हुआ था उनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, जैसा वे अपना जीवन बनाया ऐसा मैं भी जीवन बनाना चाहता हूँ, और जिस रास्ता में वो कदम नाप के गए उसी पदच्छिन्न में अपना कदम रख करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ऐसा करके एक महान आदर्श व्यक्ति को अपना आदर्श रखा। आदर्श रख करके उन्होंने अपना जीवन जितना हो सके उन्हीं के जीवन के रूपरेखा में उस ढांचे में डालने के लिए कोशिश की, और क्योंकि दिल साफ था, सच्चाई के साथ कोशिश किया, काफ़ी सफलता को प्राप्त किया। अब पूरा जगत अभी भी उनको मानता है। वो संत ने भगवान के निरंतर प्रार्थना करते थे, अत्यंत नम्र थे, सदाचारी थे, तपस्वी थे, संयमी थे, ब्रह्मचारी थे, संयमी थे, पवित्र उनका हृदय था। उन्होंने अनेक प्रार्थना को, अनेक रचना, भजन प्रार्थना जैसा कि तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, रामदास इत्यादि किया है, रचना को रचा है, कबीर, रामानंद, सूरदास, ऐसा उसमें एक प्रार्थना लोक प्रख्यात हुआ है, इतना लोक प्रख्यात हुआ है आचार्य विनोबा जी ने उसको अपना जो सर्वोदय जो सिद्धांत को अपना करके सर्वोदय सिद्धांत पर जीवन बनाने वाले जो सर्वोदय वाले हैं उनके लिए जो छोटा सा प्रार्थना बने, क्योंकि सर्वोदय वाले प्रातःकाल आधा पौना घंटा, सायंकाल आधा पौना घंटा बिना प्रार्थना किए उनका दैनिक जीवन नहीं चलता है। 12 मास ही 365 दिवस हर साल में प्रातःकाल सब बैठ करके प्रार्थना करेंगे, उसके बाद काम में लगेंगे, सब काम होने के बाद सायंकाल आधा पौना घंटा जैसा बापूजी करते थे ऐसा अभी भी सब सर्वोदय वाले करते हैं, और उसके वास्ते उन्होंने अपने जेब में छोटा सा एक प्रार्थना आश्रम प्रार्थना करके रखते हैं, छोटा प्रार्थना। ये संत का जो कि यूरोप खंड में 800 साल के पूर्व रह करके गया है इटाली देश में,
वो संत का प्रार्थना को उन्होंने उस विनोबा जी ने अपना सर्वोदय और उनकी प्रार्थना में शामिल किया छोटा सा। हाँ, हे प्रभु मुझे तेरे दिव्य शांति के वाहक बनाओ, शांति के दूत बनाओ, जहाँ पर मैं जाऊँ तुम्हारी शांति को वहाँ पर पहुँचाऊँ, हाँ जहाँ पर घृणा है वहाँ पर मैं प्रेम को प्यार को पहुँचाऊँ, और जहाँ पर क्रोध और द्वेष है वहाँ पर मैं क्षमा को पहुँचाऊँ, जहाँ पर निराशा है वहाँ पर आशा की सृजन मैं करूँ, और जहाँ पर संशय है बहुत संशय है वहाँ पर मैं श्रद्धा विश्वास को बसाऊँ, और जहाँ पर फूट फूट है वहाँ पर एकता को मैं जमाते जाऊँ, और जहाँ पर सामर्थ्य नहीं है वहाँ पर सामर्थ्य को ले आऊँ, जहाँ पर अंधकार है वहाँ पर प्रकाश को ले आऊँ, और जहाँ पर दुख है मैं वहाँ पर सुख को ले आऊँ, दुख को निवारण करने के लिए कोशिश करूँ, सुख को ले आऊँ। हे प्रभु परम गुरु आदि गुरु जगत गुरु, मैं ये नहीं चाहता हूँ सब मुझे समझ लें, मैं दूसरों को समझ करके समझ के साथ वर्ताव करने के लिए मैं औरों को समझने के लिए कोशिश करूँ। हे प्रभु मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे दुख में और मुझे सांत्वना दें, लेकिन दुखियों को मैं सांत्वना खुद देने के लिए मैं चाहूँगा, और मैं ये नहीं चाहता कि सबको मुझे प्यार करे, लेकिन मैं सबके ऊपर प्रेम करना चाहिए, विश्व प्रेमी बनकर सबको प्यार करना चाहिए, ऐसा मैं चाहूँगा। आदर्श व्यवहार मेरे तरफ से औरों को जाए, और जैसा हो मैं ज़्यादा नहीं उसके ये नहीं करूँगा, और प्रभु क्योंकि जो देता है वो ही आखिर में जाकर के पाता है, जो औरों को प्यार देता है वो प्यार पाता है, जो औरों को क्षमा करता है वो अपने आप को क्षमा को प्राप्त कर लेता है मानव से और भगवान से, और जो औरों को सांत्वना देता है अपने आप उनको भगवान सांत्वना देते हैं, और जो अपने आप के हान को नाश कर लेता है वो विशाल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस विश्वात्मक चेतना को प्राप्त करता है, दिव्य चेतना को भगवत दिव्य चेतना को प्राप्त करता है, विश्वात्मक बनता है, विश्व प्रेमी बनता है, अमर जीवन को प्राप्त करता है। ये छोटा जीवन को जो नष्ट कर लेता है, ये स्वार्थपरायण जीवन को अहंकार से भरा जीवन को नष्ट कर लेता है, वो शाश्वत अमर जीवन को प्राप्त करता है। ऐसा करके ये प्रार्थना कितना सुंदर भाव है। देखो गुरु महाराज ने व्यवहारिक जगत में कहा कि तुम जहाँ पर भी तुम्हारा जो है भाव है तुमको रखेगा, वहाँ पर तुम अपने आप को ऐसा एक केंद्र बनाओ जिस केंद्र से सबके लिए प्यार जाए, सबके लिए कुछ ना कुछ भला जाए, सबके लिए सुख, सबके लिए शांति, सबके लिए उपकार, सबके लिए कुछ ना कुछ हमसे और उनके लिए फायदा होना चाहिए। वी मस्ट बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ अराउंड अस विद दैट वन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्टिव, विद दैट वन एटीट्यूड एंड अप्रोच वन शुड मूव इन टू लाइफ becoming a center of good to everyone। ये गुरु महाराज ने आदर्श दिया इस भौतिक जगत में, इस प्रपंच और संसार में आकर के मानव व्यवहार क्षेत्र के लिए ये आदर्श दिया, सत्यपरायणता, सदाचार और इस प्रकार की जीवन, इस प्रकार की व्यवहार, वाणी से, विचार से, वर्ताव से सबके लिए सुख और शांति मिले, हमसे सबके लिए अच्छा मिले, भला मिले, और आध्यात्मिक उस भूमिका के लिए गुरु महाराज ने क्या आदर्श दिया, क्या उपदेश दिया, क्या आदेश दिया, क्या संदेश दिया। देखो भाई तुम मुसाफिर हो, जगत के साथ तुम्हारा नाता कुछ समय के लिए है, उसके लिए आदि है अंत है, लेकिन उनके साथ तुम्हारा नाता नित्य है, अनादि अनंत है, वो नाता को जोड़ के रखो, ये आदर्श है। यहाँ चलते मामला है, लेकिन हमारा उनका शाश्वत जो नित्य संबंध है उसको ये मानव व्यक्तित्व दिया है, इसको
ठीक प्रयास प्रयोग करके उस संबंध को बढ़ाते जाना चाहिए, बढ़ाते जाना चाहिए, बढ़ाते जाना चाहिए, इतना मात्रा में बढ़ा जाना चाहिए ताकि उनमें जा करके हम पहुँच जाएँ, उनका अनुभव हमको प्राप्त हो जाए। उनका अनुभव प्राप्त हो गया तो सर्व दुख से निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति, नित्य तृप्ति, परिपूर्णता, आजाद निर्भय अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं। उनको जब प्राप्त कर लिया, उस परिपूर्ण तत्व को, भगवान को, गॉड, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, औरा माजरा, कोई भी नाम दो, एक सत्ता है। असत दृश्य मात्र जगत के नाम रूपों के खेल के पीछे एक अपरिवर्तनीय, अनादि, अनंत, शाश्वत, नित्य, अमर, अविनाशी एक सत्ता है। वो एक ही सत्ता है, उनमें ही सुख शांति, उनमें ही तृप्ति है, उनमें ही परम संतुष्ट है। वो एक ही प्राप्त करने लायक लक्ष्य है। उसको जो भूला सब कुछ खोया। कौड़ी को तो खूब कमाया, लाल रत्न क्यों छोड़ दिया, ऐसा कालिदास कहा है। यू आर टर्निंग आफ्टर शेल सी शेल्स ऑन द सी शोर, फॉरगेटिंग द जम्स दैट आर डीप इन द ओशन। इसलिए ये अल्प वस्तुओं के बीच में तुम अपना साधारण जीवन बनाते बनाते वो परम अतुल्य संपत्ति, वो ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करो। यही बुद्धिमत्ता है, यही आपका मानवता की कसौटी है। जो समझदार है, जो बुद्धि को काम में ले आता है, वो समझ लेगा यहाँ सब अशाश्वत है, अनित्य है, यहाँ पर सच्चा सुख तो नहीं मिल सकता है। और हम जो नाम रूप के ये मानव व्यक्तित्व है, हमारा पोशाक है, ये व्यक्तित्व जन्म में आने के पूर्व ये व्यक्तित्व नहीं रहा, मर जाएंगे इसके बाद ये व्यक्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए ये व्यक्तित्व को अपना असली व्यक्तित्व कैसे समझ सकते हैं? ये ड्रामा में पार्ट जैसा लेता है कोई, नाटक खेलने वाला ऐसा लिया हुआ पार्ट है। इसको हम सच्चा समझ लें, हमारा सच्चा व्यक्तित्व को समझें, या हमारा सच्चा व्यक्तित्व को इसके अंदर छिपा हुआ है, ये ढक दिया है उसको। इसलिए ये व्यक्तित्व को हटा करके हम क्या है वास्तव में, ये समझना चाहिए। ये समझाने के लिए गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी आया। उन्होंने बोला, आप दिव्य आत्म तत्व है, आप भगवान हैं। सूरज का किरण सूरज से अलग नहीं होता है, समुद्र का लहर समुद्र से अलग नहीं होता है, पेड़ का फल पेड़ से अलग नहीं होता है, आप भगवान का दिव्य अंश है। इसलिए आप भगवत तुल्य एक दिव्य एक तत्व हैं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जरा मृत्यु से रहित। आपका सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है। क्यों? आनंद ब्रह्म है, आप ब्रह्म का ही एक अंश है। ब्रह्म नामक असीम सागर में एक लहर है, इसलिए आप आनंद स्वरूप आत्मा है, आप अमर आत्मा है, नित्य शाश्वत अमर आत्मा है। शांति आपका सच्चा स्वरूप है, इसलिए आपका निज स्वरूप सच्चा व्यक्तित्व, ये मानव व्यक्तित्व के अंदर छिपा हुआ, हमेशा के लिए नित्य होकर के, शाश्वत होकर के, अपरिवर्तन होकर के, आपका सच्चा निज स्वरूप क्या है? आप सच्चिदानंद स्वरूपी अजर अमर अविनाशी एक आत्म तत्व है। यही सब ग्रंथ और संत कहते हैं, गीता यही कहता है, भागवत यही कहता है, रामायण यही कहता है, उपनिषद यही कहता है, सब पुराण यही कहता है। जितने भी संत आए हुए, महापुरुष आए हैं, महर्षि लोग आए हुए, ज्ञानी, तपस्वी, गुरुजन यही कहते हैं, आप अमर आत्मा है। ये शरीर मर मिटने वाला हड्डी मांस की पिंजरा आप नहीं हो। सबसे बड़ा अज्ञान है यदि कि समझे कि यही मैं हूँ। ये तो दो दिन रह करके सड़ जाने वाले हैं। किसी एक पहुंचा हुआ ज्ञानी है, बहुत साल के पहले थे जमुना किनारे में, वो एक छोटा छोटा पद्य में दो दो चार लाइन, चार चार लाइन में पूरा वेदांत की रहस्य उन्होंने बताया है, छंदावली छंदावली बना करके। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, ऐसा कह करके ये देहात्म बुद्धि को छोड़ना, यही हमारा बीमारी है। ये हॉस्पिटल में ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, ये अपने आप साधना करके, अभ्यास करके, आत्मचिंतन करके, अनात्मा को निराकरण करके, ए मैं इस हड्डी मांस का पिंजरा नहीं हूँ, मैं इस तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश ये मैं नहीं हूँ, मैं इस उथल पुथल अशांत मन, काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ ये मलिन मन मैं नहीं हूँ, मैं छोटा सा संकुचित बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, मैं शरीर, इंद्रियाँ,
प्राण मन बुद्धि और ये छोटा अहंकार से परे मैं नित्य मुक्त नित्य शुद्ध नित्य परिपूर्ण भगवान के साथ हमेशा जुड़ा हुआ मैं आत्म तत्व हूँ। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसा भगवान स्वयं अपना दिव्य वाणी से कहा हुआ है हमको, तुम ऐसा हो ए बच्चे ऐसा हो, उसको निरंतर याद करना चाहिए और आदर्श ये भूमिका के लिए उनके साथ योग रखो संबंध रखो, उसको योग बढ़ाते जाओ। कैसा जो कुछ काम करेगा जो कुछ व्यवहार करेगा समझो प्रभु ये सब तेरे आराधना है, तेरे वास्ते मैं कर रहा हूँ, तुमने यहाँ पर हमको रखा है इसलिए करना पड़ता है, इसलिए प्रपंच के साथ इन कर्मों को नहीं जोड़ूंगा तेरे चरण में जोड़ देता हूँ, जो कुछ काया वाचा मनसा सुबेरे से शाम तक प्रतिदिन करता हूँ ये ले तेरे चरण में मेरा अर्पण कृष्ण अर्पण, ऐसा अर्पण करो ऐसा भाव से अपना काम करो ये योग बना देगा तो उनके साथ जोड़ देगा। और हम हाँ हृदय में हमारा बीवी बच्चे पुरुष माता पिता भाई बहन यार दोस्त अड़ोस पड़ोस इनके साथ प्रेम करते हैं, देखो भाई इतना से मत रखो भगवान में ही प्रेम रखो, ये दिल का प्यार अर्पण भाव के साथ कार्यों के द्वारा संबंध जोड़ो और मन इधर उधर दुनिया भर की वस्तु में भटकता रहता है कभी कभी उसको अंतरित करके उसको थोड़ा सा अपना वश में रख करके एकाग्र करके दिन प्रतिदिन अभ्यास करो, पूरा मन को उनके चरण में रखने का अभ्यास करो, ऐसा भी उनके साथ योग बनाओ मन के द्वारा दिल के प्रेम के द्वारा शरीर के कार्य के द्वारा और बुद्धि के द्वारा विवेक विचार नित्य और अनित्य का विचार आत्मा अनात्मा के विचार जो सच्चा है सत है असत इनके बीच में विचार करो विवेक करो विमर्शा करो इनको अलग अलग करो, हाँ वो सत्य को पुष्टिकरण करते जाओ ये असत को निराकरण करते जाओ, सत्य की उपासक बनो नित्य की उपासक बनो ये बुद्धि के द्वारा नित्य की उपासक बनो विचार विमर्शा करो विवेक करो, हाँ ऐसा बुद्धि के द्वारा चारों हमारे मानव व्यक्तित्व की जो शक्तियां हैं क्रिया शक्ति शरीर की भाव की दिल की भावना शक्ति मन की चिंतन और बुद्धि की विचार इनके द्वारा भगवान के साथ मेल जोड़ के रखो, ये आध्यात्मिक स्तर में हमारा जीवन के लिए जैसा स्थूल जगत के ये संसार में प्रपंच में व्यवहारिक क्षेत्र के वास्ते सत्यव्रत सत्यपरायणता सदाचार और दया विश्व प्रेम अहिंसा ऐसा आदर्श दिया है, यहाँ आदर्श दिया तुम्हारे कर्म के द्वारा तुम्हारे भाव के द्वारा तुम्हारे मन की शक्ति के द्वारा तुम्हारे विचार के द्वारा बुद्धि के विचार द्वारा उनके साथ ये रखो, उसके लिए कहा सेवा भक्ति ध्यान आत्मज्ञान ये आदर्श है आंतरिक जीवन में उनके साथ मेल जोड़ के रखने के लिए सेवा के द्वारा भक्ति भजन प्रेम के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और दैनिक संयम और ध्यान के द्वारा और निरंतर व्यवहारिक जगत के टाइम में एनालाइज इंक्वायर डिस्क्रिमिनेट इन्वेस्टिगेट ऑलवेज 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 अंत तो गत्वा कुछ एक नैतिक आदर्श को रख करके अपना जीवन बनाओ, नैतिक आदर्श कहते हैं उसको धर्म कहते हैं, हमारा व्यवहारिक जीवन को हमारा आध्यात्मिक जीवन को जोड़ के रखने वाला तत्व क्या है धर्म, हमारे व्यवहार में हम धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए, धर्मपरायण जीवन हमारा हो धर्मशास्त्र को पढ़ करके नैतिक प्रिंसिपल्स को अपना दैनिक जीवन के वास्ते रख करके इन प्रिंसिपल्स को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, ऐसा करके जो धर्म के निष्ठा जो करता है धर्म के आधार पर अपना व्यापार अपना घरेलू जीवन अपना सामाजिक जीवन अपना व्यक्तिगत जीवन अपना बाह्य ऑब्जेक्टिव लाइफ धर्म के आधार पर जो बनाता जाता है धर्म को अपना हृदय में एक तो स्थान दे देता है धर्म को केंद्र बना करके उसी के राउंड हमारा जीवन बनाता है, उनका जीवन में व्यवहार और परमार्थ एक बन जाता है, उनका जीवन में प्रपंच और परमात्म एक बन जाता है, संसार और योग संसार और अध्यात्म एक बन जाता है, ऐसा हमारा जीवन की आधारशिला
धर्म को बनाओ, धर्म को नहीं छोड़ना। ये विनोबा जी का इसमें धर्म की स्वरूप क्या है बताया है, एकादश तत्व दे करके। और धर्म को हम जानना चाहे तो महाभारत पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। बहुत जगह में धर्म की व्याख्या आता है। संत अपना जीवन में धार्मिक जीवन कैसा करके अपना जीवन द्वारा बताया। संतों की जन्म चरित्र हम रोज रोज पढ़ने में अपने आप धर्म की रास्ता क्या है स्पष्ट हो जाता है। कोई बड़ा फिलासफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा वेदांत पढ़ने की, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। संतों की जीवन पढ़ो, जो आदर्श जीवन उन्होंने बता करके धर्म के पथ पर आप गया है उससे मालूम हो जाता है कि ये धर्म की मार्ग है जो संतों ने अपना जीवन में बना करके जी करके बताया है। उनका आदर्श को रखो। ये तीन जगत को देने के वास्ते गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी ने आज से 55 साल पूर्व गंगा किनारे उत्तराखंड में ऋषिकेश में दिव्य जीवन संघ की स्थापना की। और इसी बातों को आपको बताने के वास्ते, इसी मार्ग में आपको ले जाने के वास्ते भंज बिहार भी यहाँ पर एक शाखा है। और वैसा उत्कल प्रदेश में कई साल से 30-35 साल से इधर उधर कार्य कर हो रहा है। 50 साल से 1950 से उत्कल प्रदेश में दिव्य जीवन संघ की प्रचार है। तो इतना ही कह करके आज मैं आपको बधाई देता हूँ। प्रथम ये नया वर्ष के प्रथम सप्ताह में, नया वर्ष के द्वितीय दिवस में आप थोड़ा सत्संग के लाभ उठाने की चेष्टा की है। और इन बातों के द्वारा कुछ आपको मैं अर्पण करने की हमको अवसर दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन श्रवण किया हुआ चीज़ को भूलना नहीं है। मन बड़ा शैतान है, जो मन में नहीं रखना चाहिए उसको हमेशा छोड़ेगा नहीं, 20-50 साल भी याद में रखेगा, हमेशा बाधा रखता रहेगा। लेकिन जो मन में रखना चाहिए उसको 2 दिन में भूल जाएगा, मन में नहीं रखेगा। क्योंकि सात्विक विचार को रखना है तो ये मन बहुत साफ बनना चाहिए, बहुत सात्विक बनना चाहिए, नहीं तो सात्विक विचार उसमें टिकते नहीं हैं, टिकने के लिए उनको क्षेत्र नहीं है। लेकिन राजसिक तामसिक होने में दुनिया भर की बदला चीज सब मन में जाकर के बैठ जाता है, हम नहीं चाहते हुए भी छोड़ता नहीं है। इसलिए आप एक संकल्प लेना चाहिए, जो कुछ जनवरी 2 तारीख हम भगवान के सानिध्य में, हमको भगवान ने किसी ना किसी माध्यम बना करके हमको दिया है, ये सत्य को हम भूलेंगे नहीं। घर में जा करके हम नोट कर लेंगे, याद भूलने के पहले हम जा करके बैठ करके नोट कर लेंगे। नोट करके इसी आधार पर हम जीवन बनाने के लिए यथाशक्ति अनुसार कोशिश करेंगे। ऐसा एक प्रण लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए। क्योंकि जानना नहीं जानने से अच्छा है, लेकिन जान करके कुछ करना नहीं है तो जानना ना जानने के बराबर हो जाएगा। इसलिए सुनना चाहिए, जानना चाहिए और उसको प्रयोग करके अपना जीवन में क्रांतिकारी एक अद्भुत परिवर्तन को ले आना चाहिए। ये आपका हाथ में है, आप कर सकते हैं। जो अपने मन एक बार हाँ कर दिया, आपके लिए कोई भी असंभव नहीं, आपके लिए कोई भी असाध्य नहीं है। क्योंकि मानव में भगवान का दिव्यता है और दिव्यता सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जीत सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, त्रिवार सत्य है। आप संकल्प ले लिया तो आपके लिए कोई चीज़ असाध्य नहीं है, सब आप कर सकते हैं, सब आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अच्छा संकल्प, अच्छा मुहूर्त, अच्छा स्थान, भगवान के सानिध्य और भक्तों की तो सत्संग की वातावरण पवित्र, ये वैकुंठ जैसा बन गया, अभी ये दिव्य धाम बन गया, ऐसा पवित्र इसमें संकल्प लिया, जरूर भगवान आपको पूरा करेगा। लेकिन ये संकल्प जो है रोज रोज लेना चाहिए। प्रातः काल उठ करके, सूर्योदय के पूर्व उठ करके जब आप मुंह खुली करने के लिए गुसल खाने में जाते हैं तो शौच इत्यादि कर करके मुंह, हाथ पैर धो करके मुंह साफ करके उस समय में बोलना चाहिए, आज नया जीवन की पुरस्कार भगवान हमको दिया है, ये दिवस आज अभी ले करके पुनः शयन में जाते तक पूरा के पूरा ये दिवस हम सुनहरी दिन बनाएगा, हम बिल्कुल आदर्श जीवन बनाएगा, धर्म से ओतप्रोत जीवन बनाएगा, सुंदर सुंदर अध्यात्म तत्व से
देवी संपदाओं से भरा हुआ संपन्न जीवन बनाएगा, सदाचार में, शांति में, प्रेम में, आनंद में, सत्य परायण जीवन बनाऊंगा करके, हाँ उस जीवन के वास्ते, उस दिन के वास्ते उस प्रातः काल को नया प्रण लेना चाहिए और उस जीवन भर, उस पूरा दिन भर उसी में लगे रहना चाहिए। वो जीवन को एकदम हिरक से सजाए हुआ सोने के आभूषण जैसा एक अमूल्य, एक ऐश्वर्य आप बनाना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए इस प्रकार से दिन प्रतिदिन, नहीं तो मन भेका जाएगा। दिन प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके दिन के दैनिक आचरचर्या शुरू करते पहले पुनः नया तौर से हम प्रण ले करके, प्रतिज्ञा करके उस जीवन को जितना सुंदर से सुंदर हो सका बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कोई ऐसा प्रयत्न में लग जाए, क्या प्राप्त नहीं कर सकते, सब कुछ आपके लिए प्राप्त होगा। परमपिता परमात्मा की असीम अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए भगवान ने आपको ये सुंदर सत्संग दिया है, इतना अच्छा वातावरण में भगवान के सामने आपको ले आ करके बसाया है। जरूर आपके जीवन में भगवान का अनुग्रह है, अनुकंपा है, कृपा है और गुरु महाराज जैसा पहुंचा हुआ परम ज्ञानी तपस्वी संत की आशीर्वाद कृपा कटाक्ष आपके ऊपर है। इसीलिए तो गुरु महाराज ने ये दास को यहाँ ले आ करके इन विचारों को आपके सामने रखने की एक प्रबंध किया ये शाखा के द्वारा। इसलिए आपकी सौभाग्य के लिए मैं बधाई देता हूँ। भगवत अनुग्रह आपके जीवन में है, महापुरुष की कृपा आपके जीवन में है और आपका सद्भावना चाहिए, इसके साथ त्रिवेणी संगम जोड़ देना चाहिए, ये दोनों हमको प्राप्त है। मेरे तरफ से मैं सत्संकल्प ले लेती हूँ, ले लेता हूँ, ऐसा करके सद्भावना, शुभेच्छा, अच्छा इच्छा, सत्संकल्प, ये तीनों जुड़ जाए आप जीत जाएंगे। नारायण नारायण। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। क्या ज्ञान चाहिए? शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, सत्य व्रतधारी बने, वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हरिओम तत्सत। और ये सब कार्य करने के लिए दो अभ्यास से आपको शक्ति मिलेगी, खूब शक्ति मिलेगी। एक तो रोज घुटने पर जाकर के, नहीं तो दंडवत करके प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना से भगवान का शक्ति मिलती है। दूसरा उनके नाम को रटना चाहिए, हरि नाम, हर नाम, देवी का नाम, निरंतर राम 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 राम, भगवत दिव्य नाम से आपको अचिंत्य शक्ति की प्राप्त होगी, सब कार्य आप कर सकते हैं। नारायण नारायण। अभी दो मिनट के लिए अच्छा ढंग से हम थोड़ा सा एक कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, जिस हाल राधारमण 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 कहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस गांव में रहो, काम में जिस धाम में जिस
राधारमण 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 कहो जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो राधारमण 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 कहो जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो राधारमण 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 कहो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सेवा भक्ति ध्यान द्वारा साक्षात्कार पावो भले बनो भला करो दयालु बनो अभ्यास करो अहिंसा और सत्य पवित्रता अभ्यास करो अहिंसा सत्य पवित्रता यही है मूल तत्व दिव्य जीवन का यही है मूल तत्व दिव्य जीवन का इंक्वायर हु एम आई नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री इंक्वायर हु एम आई नो दाई सेल्फ एंड बी फ्री Inquire who am I, know thyself and be free. Inquire who am I, know thyself and be free. मैं कौन हूँ? ऐसा विचार करो, अपने आप को जान करके आजाद बनो. Inquire who am I, know thyself and be free. Inquire who am I, know thyself and be free. You are not this body, not this mind, immortal self you are. You are not this body, not this mind, immortal self you are. You are not this body, not this mind, immortal self you are. You are not this body, not this mind, immortal self you are. Immortal Atman. Radiant Atman. Realize this and be free. This is your duty, foremost duty, therefore do it now. This is your duty, foremost duty, therefore do it now. Do not postpone. Do not postpone. Live the divine life. Live the divine life. सेवा भक्ति ध्यान द्वारा साक्षात्कार पावो सेवा भक्ति ध्यान द्वारा साक्षात्कार पावो भले बनो भला करो दयालु बनो हे प्रेम और करुणा के आराध्य देव तुम्हें बारंबार नमस्कार है तुम सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हो तुम सच्चित आनंद घन हो तुम सब प्राणियों के अंतर्वासी हो हमें उदारता समदर्शिता तथा मन की संतुलना प्रदान करो श्रद्धा भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ करो हमें आध्यात्मिक अंतःशक्ति की दान दो जिससे हम दुर्वासनाओं को दमन कर मन पर विजेता प्राप्त हो हमें अहंकार दुष्कामना क्रोध द्वेष घृणा और ईर्ष्या से मुक्त करो हमारे हृदय दिव्य गुणों से संपन्न हो इन सब नाम रूपों में तुम्हारा ही दर्शन करें तुम्हारी ही अर्चना के रूप में इन समस्त नाम रूपों की सेवा करें सदा तुम्हारा स्मरण रहे सदा तुम्हारा गुणगान करें तुम्हारा कलिकल्मषहारी दिव्य नाम सदा हमारे अदृपुट पर हो हम सदा तुम में ही निवास करें लोका समस्ताश्चिकिनो भवन्तु असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमासः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
ओम शांति शांति शांति।